सबसे पहला जो सवाल है मेरा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के कि ये वेरिएंट है क्या, पहले ये आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जो वही वायरस होते हैं ना, उसमें म्यूटेशंस होते हैं। वो अपने को ह्यूमन बॉडी के रूप में सक्षम करने के लिए हमेशा चाहते हैं कि हम अपने प्रारूप को बदलें, अपने स्वरूप को बदलें, और जिससे कि हम इफेक्टिवली किसी भी नए पैथोजन के रूप में आकर के और गंभीर चुनौतियों को दे पाए, या फिर उस म्यूटेशंस में कुछ बेनिफिशियल होते हैं वायरस के लिए, कुछ उसके लिए अच्छे नहीं भी होते हैं। तो इसी जी क्रम में जितने भी वायरल डिजीजेस होते हैं, जैसे एचआईवी एड्स होता है या हेपेटाइटिस बी होता है, उसके वायरस अपने को अपनी अपने प्रारूप को बदलने के लिए जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं उस पे निर्धारित होते हैं कि स्पाइक प्रोटीन उसका होता है, कवरिंग एनवेलप उसका होता है, उसमें प्रोटीन की मात्राएं, प्रोटीन के जो चैनल्स होते हैं, जो चेन होते हैं, वो सब सुनिश्चित होते हैं। तो जब भी इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है वायरस पर कि उसकी अस्तित्व पर दिक्कतें होती, या फिर उसे मौका लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन की संभावनाएं उसकी बढ़ती हैं, जब तो उस स्थिति में वो अपने को जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर में या फिर अन एनवेलप प्रोटीन के अंदर में जितनी भी प्रोटीन्स की श्रृंखलाएं हैं उनमें परिवर्तन कर देता है, और इस कारण से म्यूटेटेड वेरिएंट सामने आते हैं। कुछ वेरिएंट जो कि पुराने दवाइयां या वैक्सीन उस पर कार्य करते हैं, कुछ वेरिएंट ऐसे हो जाते हैं जो उनसे रेजिस्टेंट हो जाते तो हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर की, ये जो अभी फिलहाल जो दूसरी लहर चल रही है डेल्टा वेरिएंट की, ये पूरी तरीके से कई राज्य ऐसे हैं खासकर कि भारत में जो कि अभी से निकले नहीं है, तो ऐसे में डेल्टा वेरिएंट से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक रिजल्ट आए हैं लैब में, जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि ये डेल्टा वेरिएंट में जितने स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस थे, उससे कहीं ज्यादा म्यूटेशंस ओमिक्रॉन वायरस में हैं। जो स्पाइक प्रोटीन में 50 से ज्यादा टोटल म्यूटेशंस अभी तक जो चेंज देखे गए हैं, वो 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्पाइक प्रोटीन में ऐसी ऐसी जगहों पर म्यूटेशन हुए हैं जो इसको इफेक्टिवली ट्रांसमिसिबल बनाने के लिए, इफिशियंट ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए उसको तैयार किया है, और इस जी कारण से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो हर एक लैब में जो जो मानक देखी गई उसमें पता चला कि ये डेल्टा वायरस से कई गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन ये अभी रिसर्च चल रही है, ट्रांसमिशन तो होने की बहुत तेजी से चल रही है, और बहुत सारे स्थानों पर जहां पहले अल्फा वेरिएंट या बीटा वेरिएंट हुआ करते थे, वहां पर डेल्टा वेरिएंट ने अपनी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ा करके वहां पर डोमिनेंट, पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट वायरस का जो स्ट्रेन आया था, जो वेरिएंट आया था, वो डेल्टा हो गया था। लेकिन अभी जितनी तेजी से बढ़ करके उन सबों को रिप्लेस कर रहा है, उसमें यह देखा जा रहा है कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत तेज है, ये एक से दूसरे में बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो रहा है, और बहुत जगहों पर डेल्टा वेरिएंट जो जैसे साउथ अफ्रीका में जो डोमिनेंट थे उसकी जगह पर ये स्थान अपना लेता जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट।